हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लासेस में 13 क्वेश्चन में कवर कराया था। आगे यहाँ से हम बढ़ेंगे तो वो यहाँ पर 14 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लूँ, 14 क्वेश्चन से मारे। तो जितने भी क्लासेस हुए अगर हुए हैं, छत्तीसगढ़ की जनगणना कंप्लीट मैं करा दी हूँ, उसको भी जाकर देख सकते हैं। 6 पार्ट में अपलोड हो चुकी है। इसका पहला पार्ट भी अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। कंप्लीट आपको जीएस कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ जैसे आपका सिलेबस ख़त्म होता है, आपको जितना हो सकेगा हम एमसी क्वेश्चन लगाएंगे, जितना हो सकेगा एमसी क्यू एक तरह का आपका मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा और उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन बैठते हैं वैसे पेपर में आता है, जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल प्रयोगशाला वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच। तो क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कंटेनर फेट स्टेशन की स्थापना की गई है? उरला में, बोरई में, सिलतरा में या आपका सिरगिट्टी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में, रायपुर के जो उरला सुने होंगे, उरला एक चीज़ और फेमस है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है आपका उरला, याद रखिएगा। उरला जो कि सबसे रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे इस कंटेनर फेट स्टेशन की जो स्थापना यहाँ पे किया गया है उरला में, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये प्रथम आपका विकास केंद्र है, 1990 में इसकी स्थापना किया गया है, इसको याद रखिएगा। ये आपका सिरगिट्टी बिलासपुर में है, सिलतरा ये भी आपका रायपुर में है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र ये आपका सिलतरा है, इसको भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगरतोल औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या सरगुजा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो मगरतोल जो औद्योगिक विकास केंद्र है आपके कहाँ पर बना हुआ है, तो आपके राजनांदगांव में है। राजनांदगांव में जोरातरई, इंदामानी, टेडेसरा, पवनतला, विजयतिला या आपका महरूम खुर्दा, ये जो सभी हैं या आपके महरूम कला जो है, ये सभी आपका राजनांदगांव में आपका औद्योगिक क्षेत्र आपका फैला हुआ है, तो उसको आपको याद रखना है। ये औद्योगिक केंद्र है जो आपके राजनांदगांव में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से जिले में बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है? आपका सीजीपीएससी 2015 में आया हुआ है, दुर्ग में, रायपुर में, महासमुंद में या आपका बलौदाबाजार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महासमुंद, याद रखिएगा। तो बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र सुने होंगे, तो ये आपका जो औद्योगिक विकास केंद्र है आपके कौन से जिला में, महासमुंद में स्थित है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में बुक ब्रांड पेपर मिल स्थित है? जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर या आपके भिलाई में? तो कौन से ज़िले में जो है आपका छत्तीसगढ़ के बुक बांध जो पेपर मिल स्थापित किया गया है, तो याद रखिए ये आपका जांजगीर चांपा में स्थित है, याद रखिएगा। बुक बांध पेपर जो मिल है आपका चांपा में स्थित है, कह रहा है आपका आपका जो है मध्य भारत पेपर मिल, ये आपको बिरगहनी चांपा में स्थित है, तो दोनों को याद रखिएगा। जो पेपर मिल के लिए चांपा को जाना जाता है, जिसको याद रखिएगा। आपके जो पेपर जो है किस चीज़ से बना होता है, पेपर जो आप रोज अखबार पढ़ते हैं किस चीज़ से बना होता है, तो आपके बांस और कागज़ हो या आपका लुगदी के कागज़ से इसको बनाया जाए, तो आप जब जंगल में जो बांस वगैरह रहता है तो इससे कागज़ जो निर्माण होता है आपका, इसी से आपका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है? सरगुजा, धमतरी, रायपुर या बिलासपुर में? तो उद्यमिता विकास जो प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ किया गया है, ये आपका हमारी जो राजधानी रायपुर में इस विकास प्रकोष्ठ की स्थापना यहाँ पे किया, उद्योग के जो विकास प्रकोष्ठ की स्थापना जो देख रेख करती है, तो रायपुर में इस प्रकोष्ठ की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी?
1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 तो छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प जो हाथों के लिए जो शिल्प बनाई जाती है इसी को हथकरघा विकास निगम की स्थापना बोलते हैं, जो हाथों का जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जिसको मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लोगों के जो प्रोडक्ट है, घर के जो प्रोडक्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल मार्केट में इसको पहुँचाया जाता है, जिसको यहाँ पे इसी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, जिसका जो करेक्ट आंसर 1981 में इसकी स्थापना किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में लकड़ी और लोहे पर आधारित उद्योगों का संकेंद्रण मुख्यतः कौन से जिले में पाया जाता है, जगदलपुर में, जसपुर में, कवर्धा में या दंतेवाड़ा में। तो राज्य में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में लकड़ी और लोहा पे आधारित उद्योगों का जो संकेंद्रण मुख्य कौन से जिले में आपको पाया जाता है, तो आपका दंतेवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा लकड़ी और दूसरा आपका लोहे पे आधारित उद्योग, सबसे ज़्यादा जो है लकड़ी और लोहे पे जो आधारित उद्योग का जो केंद्र कहाँ पे मुख्यतः कौन से जिले में पाया जाता है, तो दंतेवाड़ा भी आपका फेमस है लोहे और लकड़ी पे जो आधारित जो आपके इसके लिए जो फेमस उद्योग धंधे वगैरह, दंतेवाड़ा सबसे ज़्यादा इसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की मध्य भारत पेपर मिल किस स्थान पे स्थापित किया गया है, चांपा में, रायगढ़ में, सरगुजा में या कांकेर में। तो कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, तो मध्य भारत पेपर जो मिल है अभी बताया था, कहाँ पर बताया था, बीरगहनी चांपा, बीरगहनी जो है चांपा में आपके मध्य भारत पेपर मिल यहाँ पे स्थापित किया गया, जो कि बांस और आपके कागज़ के लुगदे को बना के जो है पेपर मिल में इसको बनाया जाता है, पेपर जो अखबार पढ़ते हैं आपसे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडीला जो निक्षेप 5 है इस खदान का कब आरंभ किया गया था, बैलाडीला का 1975, 1976, 1970 या 1978। तो कौन सी ईयर में जो बैलाडीला जो निक्षेप 5 खदान कब से प्रारंभ किया गया था, तो बैलाडीला जो निक्षेप खदान कब से प्रारंभ किया गया था, ये आपका वर्ष 1970 से आरंभ किया गया है बैलाडीला। बैलाडीला से जो है खदान से क्या प्राप्त होती है जी, तो देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य में लौह अयस्क के जो लोहा है, लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार आपका कहाँ पे है, ये आपका बैलाडीला, याद रखिए। तो इस राज्य में लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार बैलाडीला में स्थित है, इसको याद रखिए, आपको पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सी ऑप्शन 1970 में इसको आरंभ किया गया था, इसको भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कोरबा में एनटीपीसी की आधारशिला रखी गई थी, तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं। तो कौन से पंचवर्षीय योजना कोरबा का जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल जो पावर कॉर्पोरेशन है, इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसको पूछा गया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कोरबा में जो एनटीपीसी की आधारशिला रखी गई थी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, और जहाँ पे एनटीपीसी कोरबा के अभी स्थान बारे बात करूँ तो इसकी स्थापना कब किया था, 1978 में जो है इसकी स्थापना किया गया है, और उत्पादन कब से हो रहा है, तो आपको 1983 से उत्पादन की जा रही है। विद्युत उत्पादन अगर क्षमता देखिएगा तो लगभग 2600 मेगावाट की आपका बिजली बनाती है, विद्युत उत्पादन करने की आपका क्षमता है इसमें। उसी तरह मैं आपकी बात करूँ एनटीपीसी जो सिपत है कहाँ पर है, बिलासपुर में है, इसकी स्थापना कब किया गया था, 2002 में इसकी स्थापना किया गया था, उत्पादन 2008 से हो रहे, ये आपका लगभग 2980 आपका मेगावाट, ये आपका विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी। इससे बात करते हैं यहाँ पे एनटीपीसी पुसोर जो लारा कहाँ पे है, रायगढ़ में, 2014 में प्रस्तावित है, क्षमता लगभग 4000 मेगावाट ये आपका बिजली की क्षमता बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट किसने लगाया था, काशी भाई मुरारजी राठौर ने, जमशेद जी टाटा ने, रतन टाटा ने या आपका जेम्स स्किन ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट किसने लगाया था, काजी भाई जो मुरारजी जो राठौर हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहले स्टील प्लांट जो है इन्होंने
लगाया था, तो नाम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो हरीन छपरा जो औद्योगिक विकास केंद्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है, कवर्धा, बिलासपुर, रायपुर या महासमुंद। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कवर्धा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरीन छपरा जो औद्योगिक विकास केंद्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है, ये आपका कबीरधाम कवर्धा में जो हरीन छपरा है, ये आपका औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आपका स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है छोटे छोटे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थित है, सिलतरा, उरला, बुरई या आपका नैनपुरा में। तो इसको आपको स्टार्टिंग में बताया था, उरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, प्रदेश का जो प्रथम औद्योगिक केंद्र जो आपका उरला है, याद रखिएगा। सर्वाधिक रोजगार देने के मामले जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र है, लगभग ये आपका देखेंगे तो जो रायपुर का जो उरला है 251 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। 1990 में जो है इसकी स्थापना किया गया है, प्रदेश के प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र इसको कहा जाता है, इसको याद रखना है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र या आपका सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बोला गया है तो आपका सिलतरा हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया था, तो सिलतरा यह सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और प्रथम विकास केंद्र, औद्योगिक विकास केंद्र बोले तो आपको उरला लेना है और सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में भी आपका उरला है। तो याद रखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं उरला से। प्रदेश के प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र 1990 में बना था, सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र भी आपका उरला है, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र आपका सिलतरा रायपुर में, तो दोनों आपका रायपुर में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भिलाई इस्पात संयंत्र जो भिलाई स्टील प्लांट जो है, इस संयंत्र का, भिलाई इस्पात संयंत्र का उत्पादन कब से उत्पादन शुरू हो रहा है, वर्ष 1957 से, 1958 से, 1959 से, 1961 से। तो भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र का जो उत्पादन कब से शुरू हो रहा है, तो 1959 से, 1959 में जो है आपका इसके उत्पादन हो रहा है, लेकिन स्थापना 1955 में हुआ था, याद रखिएगा। 1955 स्थापना के भिलाई स्टील प्लांट भिलाई दुर्ग में स्थित है और जो है आपका कौन से पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच इसको बनाई गई थी। रूस और भारत की मित्रता का ये चिन्ह कहा जाता है, रूस की सहायता से इसको ये आपका बनाया गया है भिलाई स्टील प्लांट को। तो बहुत सारे प्लांट को बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसायन एवं खाद संयंत्र राज्य के किन जिलों में स्थापित है, राजनांदगांव, वो आपके दुर्ग में, रायपुर और बिलासपुर में, दुर्ग और बिलासपुर में या कोरबा या कोरिया में। तो रसायन जो केमिकल और जो फूड संयंत्र जो खाद्य संयंत्र राज्य के किन जिलों में स्थापित किया गया है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो केमिकल बहुत सारे जो केमिकल प्लांट वगैरह है, जो रसायन संबंधित जो संयंत्र है आपका दुर्ग में बना हुआ है और खाद्य संयंत्र भी जो है आपका ये आपका दुर्ग और बिलासपुर में, खाद्य संबंधित जो आपके खाद खेत में यूरिया वगैरह खाद वगैरह डालते हैं, ये जो सभी खाद वगैरह बिलासपुर के सिरगिट्टी वगैरह में, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट में आप बनता है जो आप खेत में यूरिया वगैरह केमिकल रसायन संबंधी जो है आपका दुर्ग और बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में दो जो जगह है जहाँ पे रसायन और खाद्य जो संयंत्र स्थापित किया है, जहाँ आप छत्तीसगढ़ में पूरे सप्लाई होती है, जिसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए, और मैं डेली बेस पे करंट पेज भी पढ़ाता हूँ तो आप उससे जुड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट जो करंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से जो है मिनिमम जो है 7 से 8, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे प्री का जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके बाद हम प्री के जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे उसको हम काम करने स्टार्ट कर देंगे। मॉडल पेपर भी आपके लिए तैयार किया जाएगा जो आपको बढ़िया प्रिपरेशन करेंगे। तो बुक के साथ साथ जितना MCQ जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अभी से बढ़िया मॉक टेस्ट लगाइए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइएगा, जैसे जैसे पढ़ते हैं उसके हिसाब से
तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।